मैंने आपको बताया था, ये मुर्गी अपने अंडे तोड़ के पी जाती है। और इसके लिए मैंने दो सोल्यूशन सोचे हैं भाई। सबसे पहले इसकी बारी है, तो ये रही मुर्गी, भाग रही है, तो हमें थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। और ये रहा मेरी कटर, इसकी हैंडलिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या है, इस ब्रीड में कुछ आया है नहीं आया है। तो दाना डाल रहा था, तो मैंने अभी एक चीज़ नोट करी है जो कि अच्छी न्यूज नहीं है, आपसे शेयर करता हूँ। इसकी पोजीशन देख सकते हैं, हमारे शेरों की काफ़ी बेहतर है, पहले से अपनी डाइट खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं न्यू अपडेट की तरफ। आज के व्लॉग में हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मुर्गी अपने अंडे तोड़ के पी जाती है। और इसके लिए मैंने दो सोल्यूशन सोचे हैं। पहला सोल्यूशन तो ये है कि इसकी जो चोंच है मैंने देखा है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से वो आगे से शार्प पॉइंटेड हो गई है, तो वो क्या करती है कि अपने अंडों को खुद से ब्रेक करके पी जाती है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो फीमेल्स होती हैं इनमें, आप उनकी चोंच ट्रिम करने के बाद आप उनके केजेस में डमी एग्स रख दें। तो मैं डमी एग्स भी ले आऊँगा जाके, तो डमी एग्स से ये होगा कि उस पर चोंच मारेंगी तो वो टूटेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो उनको जब वो रियल एग देगी तो उसको यही लगेगा ये डमी एग है, तो उसको वो चोंच मार के ब्रेक नहीं करेगी। तो सबसे पहले डाइट देनी है चूजों को, देख सकते हैं आप ये भूखे हैं, पानी तो है इनके केजेस में, और इनको भी डाइट देनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसी ने एग दिया हुआ यहाँ पर, तो किसी ने भी एग नहीं दिया हुआ यहाँ पर, देख लेते हैं इस केज में भी एग नहीं पड़ा हुआ यहाँ पर, देख लेते हैं यहाँ पर भी, नज़र तो नहीं आ रहा, देख लेते हैं हो रहा। ये रहा इस मुर्गी का माशाल्लाह से, आज इसने चौथा अंडा दिया है, तो इस पे इसको अभी याद रख देते हैं, उसके बाद इसको नंबरिंग करके इस बॉक्स में रख देंगे। तो चलते हैं, मैं इनका दाना पानी चेंज करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा भाई, अपडेट ये है कि सबको दाना पानी डाल दिया और सब अपना दाना पानी खा रहे हैं, तो देख सकते हैं इनको भी दाना पानी दे दिया है, इस मुर्गी को का भी दाना पानी कर दिया, बाकी सबका खाना तोतों का जावा का सबका दाना पानी चेंज कर दिया, और यहाँ पर भी सब दाना पानी चेंज कर दिया। कल इंशाल्लाह जो लवबर्ड है की हैंडलिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या है, इस ब्रीड में कुछ आया है नहीं आया है। जिन्होंने तीसरी ब्रीड करी हमारे पास, दो ब्रीड से मैंने आपको बता दिया हमारे पास खाली निकली थी, और इसकी पोजीशन देख सकते हमारे शेरों की काफ़ी बेहतर है, पहले से अपनी डाइट खा रहे हैं और कुछ तो खाने लग गया। मैंने उसको हैंड को मैनुअली फीड कराना पड़ता था, मगर अभी खुद से खा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ी देर में इन मुर्गियों को खोल देता हूँ ताकि अपनी वॉक वगैरह कर लें, और ये मुर्गी को मैं बाहर निकालता हूँ, अंडे अंडर भी मैंने नंबर ही कर दिया, उसको बॉक्स में रखते हैं, केज खोलते हैं। इसको बाहर निकाल दिया, तो कमरे से बाहर कर देना ताकि अब वहाँ मट्टी में जाके खेल लेंगी इस मेल के साथ। इनको बाहर छोड़ दिया, अभी अपनी वॉक कर लेंगे, चले आए वापसी सेटअप में चलते हैं। मैं इनको दाना डाल रहा था, तो मैंने अभी एक चीज़ नोट करी है जो कि अच्छी न्यूज़ नहीं है, आपसे शेयर करता हूँ। देख सकते हैं आप सामने एक चूजा, वो बीमार हो चुका है, उसको पकड़ते हैं। तो मैंने दाना डालते हुए देखा काफ़ी सुस्त बैठा हुआ था, उसने अभी भी देखा अपने पर नीचे करे हैं, और उसने दाना पता नहीं खाया नहीं खाया, उसको चेक करते हैं, उसको दवाई देते हैं। उसको मैंने पकड़ लिया, और वैसे तो हाँ ये सुस्त हो रहा है, एक सेकेंड उसको उल्टा करके देखते हैं क्या मसला है उसके साथ। तो अच्छी तो सीट निकली है, सीट निकल गई है,
दाना भी नहीं खाया हुआ इसने, और ये आंखें भी बंद कर रहा है। तो बुखार हो गया इसको आधी, क्योंकि ये छोटा है तो इसको आधी पैनाडोल और इसके साथ हम जितना मैसे खोल के कैप्सूल, आधा कैप्सूल इसको खिलाते हैं, और खिलाने के बाद फिर इसको ORS का थोड़ा सा पानी पिलाते हैं क्योंकि इसका दान, और उसको मैनुअली में थोड़ा सा दाना भी खिलाता हूँ क्योंकि इसने दाना भी नहीं खाया हुआ और इसी वजह से काफ़ी सुस्त हो रहा है। इसको मैं दाना खिलाता हूँ, उसके बाद इसको दवाई खिलाता हूँ, फिर आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि खुद से दाना खा रहा है, इसको बुला रहा हूँ, देख सकते हैं खुद से मैं इसको गंदम दे रहा हूँ, थोड़ी सी गंदम खा ले, इसके बाद फिर ये बड़ी इसकी दवाई बिगड़ा मैं इसे ये दूंगा, और ये मैं ORS का पानी बनाऊंगा, इसको 2 शीशे ORS का पानी बनाऊंगा, पहले थोड़ी सी चीज खा ले, ये अच्छा सा है ना, खुद से खा रहे। चले ये अपना दाना खा ले, इसको दवाई देता हूँ, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जिसकी ये बीक बड़ी है इसको मैंने ट्रिम करना है, जैसे ये वाली मुर्गी की उसकी बीक देख सकते हैं अच्छी खासी आगे से पॉइंटेड हुई है, इसी वजह से अपने अंडे तोड़ी। और दूसरा रीजन, दूसरा प्रिकॉशन भी मुझे ये करना है कि इनके लिए जो आर्टिफिशियल एग होते हैं वो मुझे लेकर आने, ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए एग टूट तोड़ने का। चलें ये अपना अपनी फीट खा ले, इसको दवाई दे दो, फिर मैं इनकी बीक को ट्रिम करता हूँ। तो इसको दवाई दे दी है, अपना दाना खा लिया, और इसको विब्रामाइसिन और ORS का पानी दोनों मैंने पिला दिए सिरिंज के थ्रू, और ये देख सकते हैं थोड़ा बेहतर हुआ है, बाकी कल इसकी अपडेट शेयर करूँगा। इसको फीवर और फ्लू दोनों हुआ है, तो उसकी कंडीशन अभी थोड़ी सी सीरियस है, जो आप देख सकते हैं कैसी सांसें ले रहा है और ये सीख भी रहा है। तो इंशाल्लाह होप से उम्मीद है कि इसकी तबीयत बेहतर हो जाए, तो कल मैं आपसे इसकी अपडेट शेयर करूँगा। चलते हैं अपनी मुर्गियों की ट्रिमिंग की तरफ, जल्दी से सबकी जिन जिनकी बीक बड़ी हुई उनको ट्रिम कर दें। चले मैं इसको केज में डाल दूँ इसके, फिर आपसे मिलता हूँ। भाई सबसे पहले इसकी बारी है, तो ये रही मुर्गी भाग रही है, तो हमें थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, और ये रहा मेरी कटर, तो अभी देख सकते हैं आप करीब से दिखाता हूँ मैं इसकी, देखें चोंच आ गए थे कितनी चार पॉइंटेड हुई है। अच्छा मैं वीडियो अकेले बना रहा हूँ तो कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो मैं इसकी बीक को ट्रिम करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इसकी बीक को हमने सक्सेसफुल ट्रिम कर दिया, वो बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाग रही है, ये देख सकते हैं क्लोजअप में। अब इसकी चोंच जो है वो आगे से बिल्कुल चार पॉइंटेड नहीं है, ये देख सकते हैं। तो बाकी हुई चेक कर लेते हैं, जिस जिसकी जो बीक है वो आगे चार पॉइंटेड होगी उसको हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, दूसरे मुर्गी को पकड़ के चेक करता हूँ, वन बाय वन सारी वो एक एक को चेक करके चेक कर लूँगा। अच्छा इस मुर्गे को मैंने पकड़ा जो फीमेल के साथ ही होता है, तो इसकी भी मैंने देखा है, इसकी भी आप लोग देख सकते हैं आगे से जो बीक है वो चार पॉइंटेड होगी, तो मेल भी क्या पता फीमेल ना तोड़ती है, मेल इसके अंडे तो होता, तो इसकी भी मैं बीक को आगे से ट्रिम कर देता हूँ, और इसकी जो शार्पनेस है इस शार्पनेस को ख़त्म कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो देख सकते हैं इसकी बीक की शार्पनेस को भी मैंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हमें ये ब्रीडिंग पर्पज़ के रखे हैं, हमने कोई लड़वाना तो है इन मुर्गों को, तो इसीलिए मैंने इसकी भी जो बीक है इसको ट्रिम कर दिया, वरना लोग मुर्गों की जो बीक है इसको ट्रिम नहीं करते। तो चलें अब इसके बाद दूसरी मुर्गी को चेक करते हैं, अगर उसको ज़रूरत है तो उसकी भी बीक ट्रिम करते हैं। चलिए वाइट वाली फीमेल निकाली है, तो आप देख सकते हैं इसकी बीक तो अच्छी खासी बड़ी हुई है, तो इसकी भी बीक को हम ट्रिम करते हैं, आगे से बहुत शार पॉइंटेड हुई है, तो इसकी बीक को ट्रिम करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इसकी ट्रिम को मैंने आगे से ट्रिम कर दिया बीक को सॉरी, और अब मैंने इसको छोड़ दिया थे केज में वापसी, इसकी बहुत ज़्यादा चार पॉइंट की डिग्री थी आगे से भी, तो इसका भी डर ख़त्म हो गया कि अपने अंडे को तोड़ के खाएगी नहीं। चले इसके बाद दूसरी फीमेल को पकड़ता हूँ, चेक करता हूँ अगर उसकी बीक ट्रिम होने वाली है, उसको ट्रिम करता हूँ।
अच्छा दोस्तों, ये ब्लैक वाली मुर्गी है, इसकी भी बीच जो है वो आगे से शार्प पॉइंटेड हुई है, तो उसको भी हमें ट्रिम करना पड़ेगा। वैसे अपने अंडों को खुद से तोड़ के खाती तो नहीं, मगर सेफ साइड हो जाएगा, तो इसकी भी बीच को हम ट्रिम करता और फिर इसको मैं फिर केज में छोड़ दूँ। भाई इसकी भी बीच को हमने ट्रिम कर दिया, तो इसको इसके केज में छोड़ देते हैं। तो आज की जितनी भी मुर्गियां हैं जिनकी बीक ट्रिम होनी थी वो मैंने ट्रिम कर दी है, तो सबकी बीक तो मैंने ट्रिम कर दिया, बस ये वाली मुर्गी रह गई और ये वाली मुर्गी रह गई। तो इन दोनों के रहने का रीज़न मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाकी जो अभी एग ले कर रही हैं उनकी तो मैंने कर दी है। वो रीज़न ये है कि हमारा जो है नेल कटर है ये यहाँ से टूट गया है, तो जिसकी वजह से हम इनकी बीक दो मुर्गी के बीच में ट्रिम कर रहे हैं। अभी मैं दूसरा नेल कटर ला के इनकी बीक को ट्रिम कर दूंगा। तो आज की बस यही अपडेट थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो के किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।